हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखू क्लीन हार्ट चैनल आपका स्वागत करता हूं। हम जो एलोरा की केव्स देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां कुल 34 केव्स है। केव्स नंबर 1 से 12 तक बुद्धिज्म, केव्स नंबर 13 से 29 तक हिंदुइज्म और केव्स नंबर 30 से लेकर 34 तक जैनिज्म। अभी तक जो केव्स हमने देखी वो केव्स नंबर 1 से 12 तक यानी के बुद्धिज्म की केव्स थी। अब जो केव्स हम देखने जा रहे हैं केव्स नंबर 13 से 29 तक, वो केव्स हिंदुइज्म की होंगी। तो चलिए देखते हैं केव्स नंबर 13। ये बिल्कुल एम्प्टी केव्स है। केव्स नंबर 13 में कुछ भी नहीं है, इसके लिए यहाँ टाइम पास नहीं करते हैं, चलते हैं केव्स नंबर 14 की जानिब। और जैसा आपने देखा कि वहां गौतम बुद्ध की मूर्तियां हुआ करती थी बीच में। और ठीक उसके चारों जानिब से इस तरह से हम घूम के जा सकते हैं। यहां पर भी मूर्तियां बनी हुई है। ये हम बाहर की जानिब आ गए। जोरात बोल। सरस्वती मातेची मूर्ती बनवलेली आहे। सरस्वती माता कलेचं प्रतीक आहे। कला ज्यांना कोणा कला आवडत, सरस्वती माता ही कला असते, ती मूर्ती आहे। खूप मस्त मूर्ती बनवलेली आहे आणि त्याच्या एक मस्त मूर्ती बनवलेली आहे। कशाची मूर्ती ते आपण नाही सांगू शकत सध्या, कारण की आपल्याला केव्स नंबर 15। भाग, ये बच्चों के साथ हम भी भाग रहे हैं। केव्स नंबर 15। सलारे मुलिनो, हाय।
क्योज नंबर 15 है। यहाँ दरमियान में एक टेंपल है, अंदर कोई सेंटर में तो कोई मूर्ति नज़र नहीं आई। केव्स नंबर 15 के अंदर आ गए हूँ। बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं यहाँ पर, और इसके जो पिलर्स हैं इसकी लंबाई चौड़ाई आप देखिए, कितने बड़े बड़े पिलर्स हैं ये। फर्स्ट फ्लोर पे चल रहे हैं अब हम। केव्स नंबर 15 के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आ गए अब हम। और यहाँ भी ग्राउंड फ्लोर के जैसे बड़े बड़े पिलर्स। पिलर्स पे खूबसूरत से बनी हुई डिज़ाइन। पिलर्स पर बहुत खूबसूरत बनी हुई डिज़ाइन। यहाँ भी मूर्तियाँ बनी हुई है, थोड़ा अंधेरा होने की वजह से नज़र नहीं आ रहा है ठीक से। एक लेटी हुई मूर्ति है यहाँ पर, ये किसकी मूर्ति है लेटी हुई? ऊपर कमल है, कमल के ऊपर ये कृष्णा कृष्णा जी की मूर्ति है। अच्छा जी, ये भी छोटा कर सकते हैं कृष्ण। केव्स नंबर 15 देख रहे हैं अभी हम। ये महादेव का मंदिर, महादेव के मंदिर के सामने वो नंदी
सामने जो आपने देखा, और ये बहुत खूबसूरत बनी हुई मूर्तियां, ये पिलर्स के ऊपर बनी हुई खूबसूरत डिजाइन, इस तरह से ये हम देख रहे हैं केओज नंबर 15 का फर्स्ट फ्लोर। और यहाँ पर पहाड़ी के ऊंचाई पर पानी, ये बड़ी अजीब बात देखने मिलती है। ये हमने अजंता के केव्स में भी देखा, दौलताबाद के किले के ऊपर भी हमने पानी देखा, और ठीक उसी तरह से ये एलोरा केव्स के ऊपर भी पहाड़ी के ऊपर पानी, इतनी ऊंचाई पे पानी कैसे आता है। यहाँ से भी कोई सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, तो कहीं अंडरग्राउंड जाने का कोई रास्ता था जो बंद कर दिया गया। और ये 15 नंबर केओज का सामने से लिया गया व्यू। Lá.